क्वेश्चन पूछेंगे या पहले? सो यू स्टार्ट, आप बोलिए। चलिए थैंक्स मीडिया के सभी साथियों। हम कल और आज गोवा में हैं। कल दो जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दो जगह पब्लिक मीटिंग, और बहुत अच्छी पब्लिक मीटिंग हुई। आज हम आप मीडिया साथियों के सामने हैं। हम पूरे देश में ईवीएम को लेकर एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, और इस बार 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, हम उसमें किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। यही बात हम लोगों को बता रहे हैं कि ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ होती है, और ईवीएम से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और ये सरकार क्यों इतनी आमादा है कि वो इसके अलावा चुनाव नहीं कराना चाहती, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाहती। देखिए, ईवीएम में तीन मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक कंट्रोल यूनिट, जिससे वोटों की गिनती होती है, और दूसरी है बैलेट यूनिट, जिसमें आप बटन दबाते हैं, वोटर बटन दबाता है और लाल बत्ती जलती है, और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन, जिसमें 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है और आपको वो पर्ची दिखती है, जिससे आप कंफर्म करते हैं कि हाँ, आपने जिसको वोट दिया उसको गई। ये सारा सिस्टम है। लेकिन जिसमें वो पर्ची दिखती है, वो पर्ची आपको मिलती नहीं, उसकी गिनती होती नहीं। और जिस मशीन यानी कंट्रोल यूनिट जिससे काउंटिंग होती है, उसके विषय में वोटर को नहीं पता कि उसने जिसको वोट दी है, जिस कैंडिडेट और पार्टी को, उसकी वोट उसी के लिए गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया था, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पैरा नंबर 9 में बाकायदा ये बात कही गई है, उस जजमेंट के पैरा नंबर 9। और उसमें कहा गया है कि बटन का दबाना और लाल बत्ती का जल जाना मतलब ये नहीं है कि आपकी वोट आपने जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को दी है, उसी को चली गई। ये वोटर को फिजिकली निश्चित होना चाहिए कि वो जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वोट दी है, उसी को गई है। लेकिन उस मशीन में आपको कुछ नहीं दिखता, आपकी वोट रजिस्टर हुई भी है या नहीं आपको नहीं पता। रजिस्टर हुई है तो जिसको आपने दी है उसी को रजिस्टर हुई है या नहीं आपको नहीं पता, किसी और को गई है आपको नहीं पता। सब कुछ अंधेरे में है, जबकि हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न केवल व्यवस्था की गई, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होके काम कर सके, इसके लिए सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 324 में दिए गए। और वो इस तरह के प्रोविजन है कि जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, उस दिन से लेकर जब तक उसके सर्विस का टेन्योर होगा, उस ड्यूरेशन में उसके कोई भी पर्क्स, कोई भी उसकी सैलरी, किसी चीज में किसी की तरह की कोई कमी कटौती नहीं की जाएगी। दूसरा, उसको किसी भी तरह से हटाया नहीं जाएगा। हटाने का तरीका भी है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का तरीका है, यानी इंपीचमेंट, महाभियोग जो पार्लियामेंट में लाके, उसी के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। और अभी तक तो इस देश में किसी को महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया। वो प्रक्रिया इतनी मतलब स्ट्रांग रखी गई है कि उसको कोई छेड़ ना सके, केवल उसकी इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होके काम करे और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, यही उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये सारे प्रोविजन रखे गए हैं। और इसके साथ साथ
एक और प्रोविजन रखा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में उसको कहीं भी दोबारा सर्विस में नहीं रखा जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको कहीं का किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है, किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, मेंबर बना दिया जाता है, चाहे वह मेरिट कमीशन हो या जो भी। सो ये व्यवस्था भी इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं है, क्योंकि होता यह है कि व्यक्ति आफ्टर रिटायरमेंट चाहता कि कुछ उसे पोस्ट मिल जाए तो सरकार को फेवर करता, गवर्नमेंट को फेवर करता, उस फेवर को रोकने के लिए और उसकी इंडिपेंडेंस पूरी तरह से बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई कि उसे किसी भी पद पर रिटायरमेंट के बाद में नहीं रखा जाएगा। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर इस देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अलग अलग स्टेट्स की जो असेंबलीज हैं उनके विधानसभा चुनाव पूरी तरह से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रूप में करा सके। लेकिन यहां इस समय जो स्थिति है वो बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति है, गंभीर स्थिति है, बहुत सीरियस मैटर इस समय है। क्यों है? कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट अब नहीं है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज की तारीख में जो कंपनियां ईवीएम बना रही हैं वो कंपनियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, वो कंप्लीटली बीजेपी के कंट्रोल में है, मोदी जी के कंट्रोल में। मैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपको वो सारी चीजें बताऊंगा किस तरह से है। नंबर एक, जो दो कंपनियां ईवीएम बनाती हैं, वीवीपैट बनाती हैं, एक हैदराबाद से ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर दो, जो दूसरी कंपनी है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, ये कंपनी आज की तारीख में इसे कहे कि बीजेपी की कंपनी है तो कोई गलत नहीं। वो इसलिए अभी एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी के लेवल पर काम कर चुके एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, मिस्टर ईएएस शर्मा, उन्होंने एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है कि बीजेपी के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनका बीईएल कंपनी में डायरेक्टर के रूप में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में क्या काम है। और उन्होंने बताया है कि बीईएल कंपनी के 7 डायरेक्टर्स में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में वो लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप उसी से उसकी जो सीरियसनेस है उसको समझ सकते हैं। मिस्टर ईएएस शर्मा, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज आस्क्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई टू कम क्लीन ऑन दिस इवेंट एट दिस बिलेटेड आवर, डायरेक्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू रिवोक द डायरेक्टरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी एफिलिएटेड पर्संस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड प्लेस द डिटेल ऑफ द एक्शन टेकन बाय इट इन द पब्लिक डोमेन फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री टू सी। क्या है वो? बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग द अफेयर्स ऑफ द बीईएल विच लीड्स वन टू द इनएविटेबल इन्फ्लुएंस that the BJP continues to supervise the functioning of the BEL, a CPSE which is closely engaged in the manufacture and supply of the electronic voting machine EVMs, including the development of the secret encrypted source code
डेवलपमेंट ऑफ दिस सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड, यही वो मेन चीज है जिससे ईवीएम और वीवीपैट मशीन चलती है और इसी से जो चिप है वो जुड़ी होती है। और इसके डेवलपमेंट में कौन है? ये बीजेपी के लोग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ग्रुप में। डेवलपमेंट ऑफ द सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड विच इज इनेबल्ड इन द चिप दैट फॉर द कोर ऑफ द ईवीएम्स। और ये कौन कौन है चार डायरेक्टर्स, ये आप सुन लीजिए इनके नाम, और ये बीजेपी के जो पार्टी में इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक है डॉक्टर पी ए पार्थसारथी, ये ओबीसी मोर्चा जो है बीजेपी का ओबीसी मोर्चा, इसके नेशनल सेक्रेटरी हैं मिस्टर पी ए पार्थसारथी। दूसरे हैं मनसुख भाई श्यामजी भाई कचारिया, जो बीजेपी के गुजरात के डिस्ट्रिक्ट राजकोट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, बिजनेसमैन है बड़े, और साइंस इनकी बैकग्राउंड है। नंबर तीन है शिवनाथ यादव, ये वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, यूपी के, और बनारस से हैं, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और चौथी है श्रीमती श्यामा सिंह, ये बिहार से हैं और बिहार की एक्स वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी की। सो ये चार लोग डायरेक्टर हैं बीजेपी के, और ये लोग बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो डेवलप करती है सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड और चिप उसके साथ कनेक्ट करती है उन ईवीएम मशीन को जिनसे चुनाव हो रहा है बीजेपी बना रही है, मुझे कहने में कोई शक नहीं है इस सब। सो जब बनाने वाली कंपनी वही बीजेपी है, मशीन आप बना रहे हैं, चुनाव आप करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, कैसे है कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2023 में, उसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में तीन मेंबर्स की एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए, तो वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और थर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने एक ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था इसको बदल दिया, और उन्होंने सीजेआई की जगह अपने द्वारा अपॉइंट एक सेंटर का कैबिनेट मिनिस्टर उसको रिप्लेस कर दिया आज की तारीख में, और फिर उसके बाद में उसको बिल के माध्यम से लाके उसको पार्लियामेंट में पास करके एक्ट बना दिया। सो आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन जो है उसको नियुक्त कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, दूसरा उनके द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो स्वाभाविक है जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे वो व्यक्ति बनेगा। सो एक तो उसके बनाने की सारी प्रक्रिया उन्होंने अपने हाथ में ले ली, दूसरा ये जो मशीनें हैं ये बीईएल का मैंने बता दिया कि बीजेपी की सारी उस पर कंट्रोल है, और ईसीआईएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बीईएल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मशीनें बनाने वाली कंपनियां वो सरकार के अंदर में, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने की ताकत सरकार के पास, तो इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? वो तभी होगा ना जब इलेक्शन पूरी तरह से, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, जो आज की तारीख में नहीं है। अब दूसरा, जिन मशीनों की बात हो रही है और जिन मशीन को लेके गली गली गांव गांव शहर शहर घूम रहा है इलेक्शन कमीशन, 40,000 गाड़ियां जिन पे लिखा है मोदी की गारंटी वैन जो है, वो वैन मशीनों को लेकर घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि आप डाल के देखिए मशीन हमारी सही है। तो मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, जब आपकी मशीनें सही हैं, तो हमने 5 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से कहा था कि हमें 50 ईवीएम आप दीजिए, हम आपके कमरे में बंद होके नहीं, पूरे देश में पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने हैक करके दिखाएंगे आपको, यही कहा था ना हमने वकीलों ने। सो आपने हमें नहीं दी, हमें ना देके, और जब 6 तारीख को हमने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया 6 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पे, देन उसके बाद में आप जगह जगह मशीन लेके घूम रहे हैं, आपने हमें क्यों नहीं दी? अगर दूसरा, क्या ये मशीनों की टेक्नोलॉजी आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे काम करती है? आप बता रहे हैं कि इसमें जिससे गिनती होती है इसमें वोट कैसे जाती है? आप वो बटन दबा के दिखा रहे हैं, हम भी अभी दिखाएंगे आपको, करके दिखाएंगे, आप अपनी आंखों से देखना गड़बड़ी कैसे होती है। आप जो कर रहे हैं हम उसको बाकायदा लोगों के सामने दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो चीज है, हमने ये जो मशीनें हैं, आखिर कोई भी कुछ बनाता है, किसी ने माना माइक बनाया, किसी ने
ना कैमरा बनाया, किसी ने ये मोबाइल बनाया, किसी ने तो बनाया है ना, किसी के नाम तो इसका वो होगा, पेटेंट होगा, कोई तो कंपनी इसको सर्टिफाइड करती होगी। जैसे आप नमक ही लेने जाओ मार्केट में, नमक लेने जाओ, नमक की थैली को देखो, नमक की थैली पे एक निशान लगा होता है FSSAI, लिखा हो ना। आप कोई भी चीजें लेने जाओ उस पर लिखा ISI मार्क है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्टिफाइड करती है कि ये चीज ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाओ तो उस पर लिखा होता BIS करके, होता नहीं होता। सो ये सारी चीजें, और आप कोई दवाई वगैरह लेने जाओ तो बाकी तो गवर्नमेंट की, इस पर कोई डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डिपार्टमेंट है जिसका लगा होता है, मोहर लगी होती है जिससे सर्टिफाइड होती है कि चीज खाने के काबिल। सो आप ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमने ये पूछा कि ये बताओ सर्टिफाइड कहां से है, ये मशीन वेरीफाइड कहां से है, ये किसने बनाई है। हमने इलेक्शन कमीशन में एक RTI लगाई, ये RTI, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने RTI लगाई। इस RTI में हमने 18 क्वेश्चंस उनसे पूछे, लेकिन मैं जो एक सबसे ज्यादा जो आपके लिए ठीक रहेगा, मैं वो क्वेश्चन, ये 18th क्वेश्चन जो है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं आपको, और आप इसके बाद समझ जाएंगे कि सारा खेल क्या है। हमने इसमें पूछा वेदर EVMs इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय एनी ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन, इफ सो काइंडली प्रोवाइड मी डिटेल्स। बस आप सब पूछा भी किसने बनाई है, कोई आपके पास में सर्टिफिकेट है, कोई आपके वेरिफिकेशन है, तो जवाब क्या देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मेसर्स ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच आर सेपरेट पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द RTI एक्ट, यू मे सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम डायरेक्टली। सीधे उनसे पूछ लो भाई कि क्या है कहानी, उनसे जुड़ी हुई। ओके, हम लोग BEL के पास पहुंचे, हमने उनको भी यही सवाल किया कि भाई ये जो आपकी मशीन है कोई सर्टिफाइड है या कहां से। सो BEL क्या जवाब देता है, बहुत मजेदार, आप इसको सुनिए। BEL कहता है EVMs एंड VVPAT आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर द अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी TEC एंड इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्शन एजेंसी identified by Election Commission of India। ना तो उन्होंने बताया कि certified है या verified, ना ये बता रही, ये तो कह रही है मुझे तो वो जैसा कहते हैं बनाने के लिए मैं तो बना के दे देता हूं, वही जाना अब क्या करें, यही बना सीधा। अब हम ECIL के पास पहुंचे, वो भी तो बनाती है ना, तो उससे भी यही सवाल पूछा ECIL क्या कहती है। ECIL का जवाब है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन By STQC within bracket Government of India, यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर देती है, कौन सी है STQC। हम ये नहीं पूछ रहे कि इंस्पेक्शन कौन करता है, हम पूछ रहे हैं सर्टिफाइड कहां से है, वेरीफाइड कहां से है, कोई सर्टिफिकेट है। और एक और आपको बताता हूं कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसके पास ये इसकी पेटेंट कराने गए, उन्होंने पेपर इनके फेंक के मारे है कि आपके पास में बताओ क्या है टेक्नोलॉजी आपकी। सो जिन मशीनों से आप चुनाव करा रहे हैं उन मशीनों में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता, कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। और जब आपसे पूछते हैं तो कोई जवाब आपके पास नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने सभी लोगों से पूछा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से हमने पूछा, इस देश की तमाम हाई कोर्ट्स के जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनसे पूछा है, इस देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, मैजिस्ट्रेट, सबसे पूछा है। इस देश में जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो, स्पेशल सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, जो भी है, हर IAS ऑफिसर से हमने पूछा है, जितने भी PCS ऑफिसर से उनसे पूछा है, जितने भी डॉक्टर से उनसे पूछा है,
जितने भी प्रोफेसर से उनसे पूछा है और आप जितने भी पत्रकार हैं आप सबसे पूछ रहे हैं, औरों से भी पूछा है, इस क्षेत्र में जितने भी पीएचडी किए हुए लोग हैं उनसे पूछा है, जितने भी इंजीनियर हैं एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जितने भी और पढ़े लिखे लोग हैं, हमने सबसे एक सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं व्हाट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करती है ये? आप बताएंगे तो सही ना, आप अंधेरे में रखे कैसे करें, मैं तो नहीं जानता। सो आपसे पूछता हूं कि आप बताएंगे, सबका उत्तर है नो, नहीं, कोई नहीं जानता कि ईवीएम की टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये वर्क करती है, कोई नहीं जानता। सो जब इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, सो आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी कि ईवीएम कैसे काम करते हैं? सो आप जो इलेक्शन करा रहे हैं लोगों को अंधेरे में रखकर आप इलेक्शन करा रहे हैं, और पिछले 20 साल से लगातार इसी तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि तमाम पढ़े लिखे लोग बिल्कुल अंधे होकर इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, वोट डालते चले जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन रेज करता नहीं। 99% वोटर्स आउट ऑफ 100 करोड़ नोबडी नोज हाउ इट वर्क्स, कोई नहीं जानता, और चुनाव हो रहे हैं। ये 140 करोड़ जो सिटीजन है इंडिया के और जो 100 करोड़ वोटर्स हैं, ये उनकी पीठ में छुरा भोंक रहा है, उनके साथ बहुत बड़ा छल है, और ये काम देशद्रोह का काम है, देशद्रोह से कम नहीं है। और यही बात जब इलेक्शन कमीशन से पूछी जाती है तो इलेक्शन कमीशन बताने को तैयार नहीं है, जिसकी ड्यूटी सिंपल इतनी है कि उसको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, और इसके लिए केवल और केवल बैलेट पेपर ही हो सकता है, जो साधारण से साधारण व्यक्ति, एक बिल्कुल अज्ञान व्यक्ति और एक इलिटरेट व्यक्ति भी, जिसको जानता है कि वो जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट देना चाह रहा है उसने उसी को वोट दिए, उसी पर ठप्पा लगाया है, और देन उसका वोट उसी के लिए काउंट होगा, हम इसी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो वो कह रहा है उस पर विश्वास करें, है कौन इलेक्शन कमीशन, इज सिंपल पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक माने जनता, आप और हम, सर्वेंट मींस नौकर, जनता का नौकर है वो, हुकुम नहीं दे सकता वो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी उसको परफॉर्म करनी है ऑनेस्टली। आज की तारीख में इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की गुलामी कर रहा है, और जो वो कह रहे हैं उनके इशारे पर काम कर रहा है। अब हम ये 2024 में होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है। मैं कल से गोवा आया हूं, दो मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस और दो पब्लिक मीटिंग हुई, आप उसका रेस्पॉन्स देखिए कि कितना जबरदस्त है। मैं समझता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरा गोवा ईवीएम के अगेंस्ट खड़ा होगा, इस बार ईवीएम से चुनाव कम से कम गोवा में तो नहीं होने देगा, यहां की तो मैं अभी कह सकता हूं। और उधर हमारे साथ में 4 दिन में पंजाब में रहा, सभी किसान लीडर से मैं मिला हूं, और संयुक्त किसान मोर्चा जिसकी लीडरशिप में किसान मूवमेंट चल रही है, हमारा सिंपल सा कहना है कि जो भी प्रक्रिया हो वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ही इस इलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतना मुझे कहना है, अब आप चाहें जो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो मैं 2-3 चीजें अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो क्वेश्चंस जनरली होते हैं वो कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के समय में, जमाने में आप पीछे क्यों जाना चाहते हैं, यही कहते हैं ना कि बैलेट पेपर से क्यों कराना चाहते हैं टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है ये इनको भीख में मिली है, ये मशीन इन्होंने नहीं बनाई, ये मशीन उन्होंने बनाई है जो टेक्नोलॉजी में और हर चीज में इंडिया से कहीं आगे है, वो आज की तारीख में बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं।
एक बात, और जीवन के सारे काम आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही करते हैं। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ द इंडिया। दूसरा एक सवाल आता है कि बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग क्या अब नहीं होती है? आप मीडिया के साथी हैं, आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी कि ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं और एक पावरफुल व्यक्ति वहां जाके खड़ा हो जाता है जहां पे वोटिंग मशीन होती है, वो जो बैलेट यूनिट होती है, और गरीब लोग आ रहे होते हैं वहां से, प्रेसाइडिंग ऑफिसर बटन दबाता है और वो जो वहां खड़ा है वो वोटर के वहां पहुंचने से पहले बटन दबा देता है और कह देता है जाओ, ये वीडियो वायरल हो रही है। तो ये बूथ कैप्चर भी नहीं है क्या है? दूसरी बात, बूथ कैप्चर होते थे लेकिन आज की तारीख में इतनी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। नंबर दो, अगर होती भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह रुक जाएगी, होती है, होगी, लेकिन क्या वो इस लेवल पर हो जाएगी? कितने बूथ कैप्चर हो जाएंगे? 2, 4, 10, 100, 200, 1000, 2000, 10000। यहां तो पार्लियामेंट इलेक्शन में 15 लाख बूथ हैं और इस मशीन के माध्यम से, जिस मशीन को कौन बना रहा है? बीजेपी। चुनाव कौन करा रहा है? बीजेपी। सो जीत के कौन आएगा? बीजेपी। उस मशीन को पूरी तरह से हैक कौन करता है? उस मशीन को पूरी तरह से मैनिपुलेट कौन करता है? बीजेपी। तो आप बैठे बैठे उस पूरे चुनाव को ही आप हाईजेक कर लेते हैं, उस पूरे चुनाव को ही कैप्चर कर लेते हैं। बूथ कैप्चरिंग ज्यादा खतरनाक है, ये इलेक्शन पूरा ही कैप्चर कर लिया जाता है, ये खतरनाक, ये ज्यादा खतरनाक। इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा, इस बार हम चुनाव होने नहीं देंगे। ये मेरे लिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आप जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो विद रेफरेंस टू ईवीएम मशीन हैक हो रहे, मैनिपुलेट हो रहे, ऐसा ही हो रहा। आपने कल एक बहुत बड़ा डेमो दिया हुआ था मालगांव में, ऐसा ही हो रहा है, इसका डेफिनेट एविडेंस क्या है आपके पास? इससे ज्यादा एविडेंस कोई होगी आपके पास? मैंने क्या कहा कि जो बीजेपी है, बीजेपी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ये पूरे मीडिया में है, ये लेटर लिखा गया है बाकायदा, जो एक्स सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मिस्टर ईएएस शर्मा, उनका ये लेटर है। ये लेटर 4 पेज का है जो आपको देखेंगे, जो पढ़ा हुआ है, ये लेटर उन्होंने लिखा और इसमें बाकायदा उन्होंने नाम दिए हैं, बाकायदा उन्होंने आरोप लगाया है कि बीईएल कंपनी जो ईवीएम और वीवीपैट बनाती है, जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड उसको बना रही है, चिप के साथ में कनेक्ट कर रही है, वो सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में कैसे है? तो जब वही कंट्रोल कर रहे हैं, वही बना रहे हैं, इससे ज्यादा किस सबूत की जरूरत है? मैं तो खुल के आरोप लगा रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ना होके बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। मशीन वही बना रहे हैं, जो सोर्स कोड है वही उसमें सब कुछ डाल रहे हैं, उन्हीं को पता है। सो फिर वो कैसे नहीं जीत के आएंगे? तभी तो कहते हैं मोदी जी 300 पार 400 पार। क्या ये आरोप हो सकता है बट नॉट एविडेंस? क्योंकि ये आप बोल रहे हैं, ये एविडेंस ही है। आप वेबसाइट पर जाइए, बीईएल की वेबसाइट पर कंपनीज की जो डिटेल्स होती है उस पर जाइए, आप निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगी। जो मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको 4 नाम बताए, ये चारों के 4 नाम ये उनके डायरेक्टर से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, ये सारे कंपनीज की साइट पर मिल जाएंगे आपको, बीएल की साइट पर मिल जाएंगे, ठीक है? वो पर मेरा सवाल वो था कि कल जो आपने डेमो दिया था मालगांव में, जैसे कैसे स्लिप्स पार आते हैं, कैसे मैनिपुलेशन होता है, क्या ऐसा ही होता है मशीन में? क्या आपके पास कोई मशीन एज एन एविडेंस आ गया जहां पे आपने इन्वेस्टिगेट करके पता चला ऐसा होता है? हम सिंपल आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम जो आपको दिखा रहे हैं हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो क्या वहां मैनिपुलेट नहीं हो सकती है? हो सकता है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल डेफिनेट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ 2-3 सवालों का जवाब आप मुझे दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए,
मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए और गिनती जिस दिन हो रही थी तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में कांग्रेस 230 सीट्स में से 230 सीटों में से 199 सीट पर आ गई थी पोस्टल बैलेट में। और जब ईवीएम की गिनती होकर आती है बिल्कुल 180 डिग्री पर सब कुछ घूम जाता है। कांग्रेस 63 पर उठ जाती है और बीजेपी 166 लेके जीत जाती है। कैसे? दूसरी बात, 2022 में यूपी में असेंबली इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो टोटल 403 असेंबली सीट्स में से 304 सीट्स पर समाजवादी पार्टी आगे थी, 403 में से 304 पर आगे थी पोस्टल बैलेट में। और जब काउंटिंग होकर आती है ईवीएम से तो बिल्कुल उलट हो जाता है, समाजवादी पार्टी 121 पर खत्म हो जाती है और बीजेपी 225 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार में। कैसे होता है? इसके अलावा एक कैंडिडेट ने, एक जो वहां का मध्य प्रदेश में है एक जगह, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहां का जो कैंडिडेट उसका साथी, उसने बताया कि जो कैंडिडेट हमारा है बीजेपी का उसको लगभग 90,000 वोटें मिलेगी, एग्जैक्ट फिगर उसने दे रखी, और जो हारने वाला है उसको 70,000 मिलेंगे, 70,000। आप ताज्जुब करेंगे कि जब रिजल्ट आया है 90,500 के लगभग उसको मिली बीजेपी वाले को और हारने वाले को 70,400 या 500 के लगभग। कैसे कैसे पता है उसको 4 दिन पहले? दूसरा, जो तीन कैंडिडेट हैं, एक छत्तीसगढ़ में है, एक मध्य प्रदेश में है और एक राजस्थान में, इन लोगों के अपने बूथ में, सपोज आप जहां हैं जिस बूथ में आपकी वोट है तो आपकी वोट निकलनी चाहिए ना, वो कैंडिडेट है। मैं ये मान लेता हूं कि उसके परिवार का वोट भी उसे ना मिले, उसके माता पिता भाई बहन सब लोग उसे वोट ना दें, कैंडिडेट अपने को तो वोट देगा। उसके अपने बूथ में जबकि उसका पूरा परिवार रिश्तेदार भी है, उसके अपने बूथ में अपना वोट नहीं मिला, 0 मिला है। कैसे? और ये बाकायदा मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ ये सारी चीज। सो आप कैसे कहते हैं कि मतलब ये सब कुछ नहीं बने? इसलिए हम कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन बहुत बड़े स्तर पर है। और फिर मैं दोबारा कहता हूं, आप जगह जगह दिखा रहे हैं, उस आम पब्लिक को क्या पता? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं तो अभी पूछा, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है? नहीं मालूम। सो वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास करो। आपने भगवान बुद्ध के विषय में सुना? भगवान बुद्ध ने एक बार एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि आपके माता पिता कह रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं या कोई महापुरुष व्यक्ति बड़ा व्यक्ति कह रहा है, और किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि मैं कह रहा हूं। किसी भी बात को तभी मानना जब आप अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से मानो यस ये बात सही है और इससे बहुत से लोगों का कल्याण होगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और इलेक्शन कमीशन कौन है? पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो निहायत, मैक्सिमम की बात बता रहा हूं, निहायत बेईमान और भ्रष्ट है। सो जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी हो, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम उस पर विश्वास करें। क्यों करें हम विश्वास? आप जो प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हो या प्रोसीजर जिसके माध्यम से इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हो, आप उसको बताओ ट्रांसपेरेंट कैसे है? उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है, हमें वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर, दो और सवाल है, पूछ सकता एक तो है जैसे आप बोलते हो कि ईवीएम मैनिपुलेटेड होता है, लेकिन अगर कोई पोलिंग बूथ पे जब भी इलेक्शन स्टार्ट होता है तो मॉक पोलिंग होता है, वहां पे मॉक पोलिंग पे अगर कोई भी गड़बड़ पाई गई तो ईवीएम इमीडिएटली चेंज होता है, तो ऐसा मानना कि इलेक्शन पूरा पोलिंग होता है और वो मैनिपुलेटेड, इसमें क्या डिस्क्रिपेंसी हो सकता है? आपके पास मोबाइल है?
है ना मोबाइल, आप इसमें जिस समय के लिए जो भी सेट करना चाहें, माना आप माने कि आपकी 15 दिन बाद आपको कहीं जाना है, कोई मीटिंग है, कोई टाइम है, आप उसमें सेट कर देंगे, ठीक उसी समय वो एक्ट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। आप कभी 5-स्टार होटल में गए हैं, मैं अभी आया, अभी परसों जब आया, बड़ी मजेदार बात हुई, बताता हूं, उससे आप समझने का प्रयास करेंगे। सो मैं एयरपोर्ट से उतरा और हाथ हैंड वॉश करने के लिए मैं गया, सो मैंने देखा कहीं टोटी वोटी कुछ तो है नहीं, खोल के करूं, तो मैंने उसके जो टोटी जिस से पानी आता उसके सामने हाथ कर दिए, जैसे ही मैंने हाथ किया पानी आने लगा, फिर मैंने हाथ धोए और उसके बाद हाथ खींच लिए, बंद हो गया। मतलब वो एक छोटा सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिबल है, उसे मालूम है कि मुझे कब चलना है और कब बंद होना है, नहीं? तो इसी तरह से देखो, आप कहीं जाते हो, बड़े होटल शीशे के बड़े बड़े दरवाजे लगे होते हैं, उसमें कोई हैंडल नहीं होता खींचने के लिए, बस आप जाएंगे और एक पर्टिकुलर दूरी पर जैसे ही आप पहुंचेंगे वो एक्ट करना शुरू कर देता है, होता नहीं होता। जब ये छोटी छोटी चीजों में हो सकता है, सो इलेक्शन जिसके माध्यम से गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसके माध्यम से सारी पावर आपके हाथ में आती है, वहां मैनिपुलेशन नहीं होती। और वो प्रधानमंत्री, मैं आप सीधे आरोप लगा रहा हूं, वो प्रधानमंत्री जो इस देश में बेईमानी का और झूठ का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, वो व्यक्ति सत्ता की जिसमें इतनी हवस है, वो तो बेईमानी नहीं करेगा। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, इस देश की जनता आपको बहुत चाहती है, तो इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होने दीजिए। अगर जनता आपको चाहती तो आपको जिताएगी, और अगर आपको जनता नहीं चाहती है तो नतीजा सबके सामने होगा, पता लग जाएगा, आपको दिक्कत क्या है इससे। सो जो ये बात कही जा रही है मॉक पोल की, ये बाकायदा सेटिंग होती है कि कब उसको एक्ट करना है, क्या एक्ट करना है, और यही हम बाकायदा आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। जैसे हमने कर रखा है कि वोट आप किसी को भी डालिए, लेकिन जिसको जिताना है वोट उसी को जाएगा, और कैसे ट्रांसफर हो जाएगा सब कुछ आपकी आंखों के सामने अभी हमारे साथी अतुल पटेल जी वो दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से, एक तो इलेक्शन डे होता है और एक रिजल्ट डे होता है, उसके बीच में बहुत सारे दिन में ये जो बॉक्सेस होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं स्ट्रांग रूम में, तो आपको ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन डे पे इश्यूज होता है कि स्ट्रांग रूम में जब रखा जाता है तब सब इश्यूज होते हैं? जब मशीन ही वो बना रहे हैं, और आप देखेंगे कि मशीनों को फाइनली कब एक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है, उस दिन जिस दिन ये सब कुछ क्लियर हो जाता है विड्रॉल की डेट के बाद कि अब ये कैंडिडेट मैदान में है, उसी दिन होता है ना फाइनल। नॉमिनेशन के लिए एक हफ्ता होता है, फिर उसके स्क्रूटनी के लिए होता है, और देन विड्रॉल की डेट होती है। तो विड्रॉल की डेट 3 बजे तक विड्रॉल का समय होता है, उसके बाद जो भी मैदान में होते हैं उनकी लिस्ट 5 बजे लग जाती है। ये लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, देन उसके बाद में मशीन में लगाने के लिए वो सारा सिस्टम बनाया जाता, अपलोड किया जाता है, ठीक है। और जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, उस दिन से लेके किस किस दिन क्या क्या होगा सब कुछ फिक्स होता है, उसकी टाइमिंग पूरी तरह से फिक्स होती है, और जिस दिन जिस समय काउंटिंग शुरू होगी रिजल्ट आएगा सब फिक्स होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो छुपा हुआ हो, उसी के हिसाब से सारी सेटिंग होती है और उसी के हिसाब से की जाती है, और उसको कब एक्टिव किया जाता है मैं समझता हूं हिसाब से समझते हैं। सर बहुत कॉन्फिडेंस से ये पूरा प्रोसेस बोल रहे हो, ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जानकारी है जिसने आपको बताया है एक्सटेंसिव से पैसा होता है? नहीं, इसमें कौन सा छुपा हुआ है? आप मुझे बताइए कि जिस दिन आचार संहिता लगती है और जिस दिन इलेक्शन कमीशन बैठ के मीडिया के सामने घोषणा करता है कि यहां इलेक्शन इतने फेज में होगा, इस तारीख को यहां, इस तारीख को यहां, इस तारीख को, सब बताता ना डिटेल, मेरे से ज्यादा तो आपको पता होती है। सो जब आपको पता है कि किस किस दिन किस किस समय क्या क्या होगा, तो उसमें छुपा हुआ क्या है? मुझे ही क्या स्पेशल जानकारी है? वो तो आपको भी है सारी सब कुछ। हां, आप शायद कह नहीं पाएंगे, लोग कह नहीं पाएंगे, पर मैं खुल के कह रहा हूं इस देश का इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बेईमान हो चुका है। उसे बनाया तो इंडिपेंडेंट गया, लेकिन एक व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री का और एक पार्टी विशेष सरकार का वो गुलाम हो गया,
और मानसिक रूप से अगर कोई इलेक्शन कमीशन गुलाम हो जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति इस देश के लिए नहीं हो सकती। मॉक पोल आप करके दिखा रहे हैं। मेरा सवाल यही है, कल भी वहां नागपुर से हमारे साथियों का फोन आया, वो कह रहे साहब इलेक्शन कमीशन वाले आए, तो मैंने कहा पूछो कौन है ये, उन्होंने बताया एनसीडी के लोग हैं, एनसीडी के लोग। ओके, इनसे पूछो भाई इनको ऑथराइज किसने किया है, इनको डीएम ने ऑथराइज किया है। ओके, अब इनसे ये पूछो कि भाई ये जो मशीन आपको दे रखी है इन मशीनों के नंबर बताओ। हर मशीन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, नंबर होता है, कोई नंबर उनके पास नहीं। दूसरा मैंने इनसे पूछा कि आप इनसे पूछो भाई इसकी टेक्नोलॉजी क्या है हमें बता, और ये कैसे काम करती है ये बता। मम कुछ नहीं बोल सका, हो गया ना हो गया। सो ये जो सारी चीजें हो रही है, मेरा बहुत सिंपल सा है, पहले आप लोगों को बताओ कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, देन आप करवाओ। आप वो नहीं बता रहे, आप सिंपल कह रहे हैं कि हम आप पर विश्वास करें, क्यों करें? सर भी कितना समय हुआ आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, और कहां कहां पे स्टेट में आपने अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएट? मैं समझता हूं इसका जवाब और इससे आगे के जवाब हमारे साथी इंजीनियर डीसी कपिल साहब देंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे सारी चीजें। मोदी की सरकार बनी थी तो 30 मई को ही हमने इस आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। उनके सरकार बनने के नेक्स्ट अगले दिन जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करके हमने इस बात का विरोध किया था, क्योंकि 373 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पिछले 2019 के चुनाव में ऐसे रिजल्ट आए थे जहां 8000 से लेकर के और 20000 वोटों तक डिफरेंस था इलेक्शन डे में पड़ने वाली वोटों में और काउंटिंग डे में पब्लिश होने वाले रिजल्ट। 373 सीट्स वार इफेक्टेड एट द टाइम ऑफ द डे ऑफ द इलेक्शन एंड द डिफरेंस ऑफ द वोटिंग एट द डे ऑफ द अनाउंसिंग ऑफ द रिजल्ट। तो तब से ही इस आंदोलन की शुरुआत हमने की थी, और जहां तक स्टेट की बात है, जैसे हम आज यहां हैं, कल हम लखनऊ में हैं, दो दिन बाद हम भोपाल में होंगे, उसके बाद में गुजरात में होंगे, फर्स्ट फेज के अंदर हम जितने भी स्टेट हैं उनकी कैपिटल्स को कवर कर रहे हैं। वहां पर ज्यादातर जगह पर प्रोग्राम हो चुके हैं, और एक नहीं ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा में 100 से ज्यादा संगठन अभी तक एफिलिएट हो चुके हैं। जैसे हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस समय एक ही दिन एक ही डेट में कम से कम 20 जगह हमारी अलग अलग टीम इस काम में अलग अलग शहरों में लगी हुई है। पूरे देश की यह मूवमेंट है, पूरे देश के लोगों को ये जगाया जा रहा है, और जैसे अभी आपको कई एग्जाम्पल दिए कि कैसे कैसे इसके एविडेंस आए और किस तरीके से ये इफेक्ट किया, वो सारे सबूत हैं। और सबूत ऐसे नहीं है, देखिए आप लोग तो यहां पर है, ये सारे सबूत, ये सारे जितने भी प्रूफ हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के वहां पर जब केस फाइल हो रहे हैं, जो 3 कैंडिडेट का आपको बता, कैंडिडेट की खुद की वोट गायब होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। राजस्थान इलेक्शन के अंदर जो वोट ऑफ डिफरेंस आया है वो वहां पर 50,00,000 वोटों से ज्यादा है। नंबर ऑफ वोट्स पब्लिश एट द डे ऑफ द काउंटिंग ऑफ द इलेक्शन एंड द डिफरेंस एट द टाइम ऑफ द कास्टिंग ऑफ द पोल, 50,00,000 वोटों से ज्यादा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं, उनके माध्यम से केस फाइल होता है। तो जो केस फाइल होते हैं एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एविडेंस वहां पर एक्सेप्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के अंदर, वहीं से इन सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को मिलती है। तो ये पूरे देश का मोमेंट है और इसमें रिजल्ट आएंगे, लेकिन सवाल यही है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर मोदी जी ने सभी गुजरातियों को बैठा दिया है जो सच्चाई है, और वहां पर जैसे अभी बताया कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होते समय जो कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित हुआ
वहां पर अपने चहेते कमिश्नर को बैठाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर संशोधन करके एक्ट बना दिया गया और बहुमत के आधार पर अपना मन चहेता वहां पर बैठा दिया गया। एक ही तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं बहुत दिन से, आप तो मीडिया के लोग हैं, कि जो भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, राजनेता होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में से घुल करके निकल करके सारे साफ हो जाते हैं ना। ऐसे ही यहां पर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऐसे लोगों को वहां पर बैठा दिया गया है कि जो वो कहेंगे वही वो करते हैं। अब दो तरीके, इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट कराता है वहां पर भी उनके आदमी, और जो ईवीएम बनाती है कंपनी वहां पर भी उनके आदमी। तो जब दोनों ही चीजें उनकी है तो निश्चित रूप से फिर उनको कंट्रोल कौन करेगा। वहां पर तो ये हो रहा है कि बिना मजबूत विपक्ष के एक ऐसी सरकारों का आना जाना बन गया है कि जहां पर तानाशाह पैदा हो रहे, तानाशाह पैदा हो रहे, जहां तानाशाह पैदा हो जाते हैं वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है और वहां पर जनता जो है बिल्कुल क्रैश हो जाती है। तो ये जो है आंदोलन, ये उसी का एक नतीजा है, उसी श्रृंखला का एक नतीजा है। ओके सर, मेरा सवाल है कि अगर आपके इतने अवेयरनेस के बाद, प्रोटेस्ट के बाद भी ईसीआई ईवीएम के थ्रू ही इलेक्शन में चले गए, तो आपका क्या स्टैंड? देखिए, ये तो भविष्य में क्या होगा, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी तो है नहीं जो 400 पार होता है। आप एक काम करिएगा, जितने पत्रकार हैं, अभी 2-3 दिन बाद नरेंद्र मोदी यहां पर गोवा में आने वाले, सुना है ना, तैयारियां हो रही है, सड़कें काली पीली बहुत बढ़िया बढ़िया चमकाई जा रही है। जब आप जाएंगे उनसे आप कहना कि आप इलेक्शन से एक महीना पहले एक इलेक्शन गोवा के अंदर करा दें, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के बन जाए नरेंद्र दास मोदी, और संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशी रहेंगे भानु प्रताप सिंह, ठीक है, और यहां पर वो जीत करके दिखाते, कंडीशन ये होगी कि सीक्रेट बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हम तो जा रहे हैं उनके हाथ में। देखिए, जब किसी को चोरी करने की आदत पड़ जाती है तो आदमी मेहनत नहीं करता, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनको चोरी करी कराई मिल रही है ईवीएम के माध्यम से और उसी के बलबूते पे वो 400 पार और 500 पार 300 पार कह रहे हैं। तो ये एक धंधा बना दिया है, इसको इस बार हम नहीं चलने देंगे। जो आपने कहा कि अगर ऐसा हुआ, होगा नहीं ऐसा, इस बार इन ये मशीनों के अंदर आग भी लगाई जाएगी, इनको तोड़ा भी जाएगा और चाहे कहीं तक भी जेल भरो आंदोलन करना पड़े, इस बार चुनाव हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखिए, हमारे पास, मैं और थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं, अभी हम लोग लोगों को पूरे देश में जगा रहे हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में जोड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, और इनका विरोध भी हो रहा है गांव गांव। हम जो भी हद हो सकती है इस आंदोलन के लिए, इस ईवीएम को रोकने के लिए, उस हद हर हद तक जाएंगे। हमारे पास जेल भरो आंदोलन, हमारे पास सड़कें रोकना, हमारे पास रेल रोकना, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते तो गांव में घुसने नहीं देंगे, और उसके बावजूद भी होता है तो देन अभी आपको बता दिया, मतलब किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे, ये हमारा पूरा प्लान है। दूसरी बात जो हम आपको कह रहे हैं, आपने अभी एक सवाल पूछा, आपने पूछा है क्यों सर, आपने पूछा ना कि कर्नाटक में कैसे जीत जाते हैं, हिमाचल में कैसे जीत जाते हैं, वहां के ईवीएम की गड़बड़ी नहीं होती, निश्चित रूप से वहां जीत जाते हैं। अगर वहां नहीं जिताए जाए तो आप हमसे सवाल कैसे करें, तभी तो कर रहे ना आप हमसे, भाई 3 इलेक्शन जीत के 5 में से 3 इलेक्शन जीत लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी हार्टलैंड के हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और मिजोरम में वो गए नहीं, और तेलंगाना में उन्हें मालूम था कि कांग्रेस की लहर है, फिर भी उन्हीं को दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। सो 3 जीत के 1 आपको जिता दिया, तभी तो आप उनसे सवाल पूछ रहे कि वहां कैसे जीत जाते हैं। मैं इसका दूसरी तरीके से जवाब देता हूं, क्या फर्क पड़ता है अगर स्टेट में हार जाए, हिमाचल में हार गए तो क्या फर्क पड़े, कर्नाटक में भी हार गए तो क्या फर्क पड़े, पहले हारे थे, फिर जो एमएलए थे उनको खरीदा था, रिजाइन कराया था, गवर्नमेंट बनाई, मोदी जी के पास तो ईडी है, सीबीआई है, किसी भी स्टेट में हार जाओ जब उन्हें सरकार बनानी होगी तो कई तरीके उनके पास में,
विधायकों को खरीदना है, ईडी के माध्यम से डराना है। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है, बात अलग है। इन तीन स्टेट में क्यों जीते, क्यों? एक तो हिंडी हार्ड लड़के हैं, दूसरा सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर इन 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सभी स्टेट में अगर सफाया हो जाए तो मोदी जी तो वैसे ही हार जाएंगे जीतने से पहले, लड़ने से पहले। इसलिए उन स्टेट को बहुत ही कैलकुलेट करके, मैनिपुलेट करके जीता गया। एक और बात, मोदी जी के लिए असेंबली इलेक्शंस किसी भी स्टेट के वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केवल दो स्टेट के इंपॉर्टेंट है। एक गुजरात जो उनका होम स्टेट है, वहां अगर हारेंगे तो सीधा जाएगा भाई प्रधानमंत्री अपने स्टेट में हार गया, बाकी कहां जीतेगा। एक दूसरा यूपी, क्योंकि यूपी आज की तारीख में आरएसएस की सेकंड प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है आरएसएस की, और इस देश की सबसे बड़ी स्टेट है जिसमें 80 सीट्स हैं लोकसभा की, 31 सीट्स हैं राज्यसभा की, 403 सीट्स हैं असेंबली। वहां जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है। तो इन दो जगह तो मैनिपुलेशन होती ही होती है, और बाकी ये जो की गई तीन राज्यों में ये लोकसभा चुनाव को देखकर की गई। तीसरी बात जो उनके लिए मेन है, जैसे मैंने बताया, वो है सेंटर। सेंटर में अगर सरकार उनकी है, उनके हाथ में है, तो स्टेट कोई मायने नहीं रखते। और वैसे भी स्टेट को कमजोर करने के लिए, उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जीएसटी बनाया, तो जीएसटी के माध्यम से आप पूरे कंट्री का टैक्स रेवेन्यू जो है आप कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टेट को जब जरूरत आप दे नहीं रहे तो आप कहते हैं स्टेट को कि आरबीआई से आप डेप्ट लोन ले लीजिए। आप क्यों ले लोन, हमारा पैसा हमें दे दो। क्यों किया जा रहा है कि जब पैसा नहीं होगा तो स्टेट कमजोर होगी, स्टेट कमजोर होंगे सेंटर स्ट्रांग होगा, और जब वो इस देश में अगर जीत के आ जाते हैं, ईवीएम से चुनाव अगर होता है 2024 का, तो मोदी को कोई रोक नहीं सकेगा, मोदी जीत के आएगा। और अगर जीत के आ जाते हैं तो सबसे पहले इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं, इस देश में राजतंत्र स्थापित किया जाए, उसी के लिए सारे काम हो रहे हैं। सो जो जरूरी है वहां वो मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा करते हैं, और उसका उदाहरण हमारे साथी इंजीनियर ऋषि कपिल साहब ने बताया कि 373 जो पार्लियामेंट्री सीट्स थी 2019 के चुनाव में, उन पर 8000 से 18000 वोट ज्यादा निकली जो पड़ी थी उनसे। ये है सर, आप यूएम पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, आप पे कोई प्रेशर या प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपसे कोई जुड़ रहे हो उन पे कोई प्रेशर या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आपको मेरी आवाज से, मेरे बोलने के ढंग से, मेरे काम करने के ढंग से लगता है कि मुझ पे कोई प्रेशर होगा या काम कर सकेगा? नहीं, आपके साथ जो जुड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजर उन पे कोई लगता कि किसी पे प्रेशर है किसी की तरह का? अगर होगा तो मैं और मेरे साथी, मेरी टीम के लोग और आप जैसे जितने भी साथी हैं इतने स्ट्रांग तो है ही कि ये प्रेशर उन पर कोई काम नहीं करेगा किसी भी तरह का। बाकी जो होगा सो देखी जाएगी, ये तो लड़ाई है। हाँ, एक चीज और ये जो चीज है बहुत अच्छी है, 2% की जो है, ये 2% क्या है? 2% मोदी जी ने दो पहलवान अखाड़े में उतारे हैं इस ईवीएम को डिफेंड करने के लिए, एक एक्स इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर रावत, एक एक्स इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर कुरैशी, ये दो पहलवान उतारे, और ये दोनों कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में 2% का इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है 2%। अब मैं आपको दो चीजें लेके जाता हूं, आपने एक रिपोर्ट अगर देखी हो तो आप नेट से निकाल के देखिए, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट 2021 ईवीएम एंड वीवीपैट, उसमें वो रिपोर्ट किसने बनाई है? उस रिपोर्ट को बनाने वाले आईआईटी एक्सपर्ट्स के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, जजेस हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और उसमें जज जस्टिस मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनकी अध्यक्षता में वो कमीशन बनाया गया, उसने वो रिपोर्ट बनाई है, और उस समय तक के तमाम जो बुक्स हैं, जो रिसर्च है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, उन सबको पढ़ के रेफरेंस देके वो रिपोर्ट तैयार हुई है, 11 पेज की वो रिपोर्ट है।
उसमें बाकायदा कहा गया है कि जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1% आप वीवीपैट मशीन ले लीजिए, उनकी पर्ची आप गिन लीजिए, ठीक है। लेकिन उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां एक ही वोट से हार जीत हो जाती है वहां 1% का क्या मतलब है? और अगर 1% की बात करते हैं सो लोकसभा में यहां पे आई थिंक 6 लाख के लगभग वोट है गोवा में, 6 लाख, 1% से कितनी वोट हो गई? 6000। जब एक वोट से हार जीत होनी है तो 6000 तो कितनी ज्यादा है, और कितनी ही सीटों पर हार जीत 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक होती है। और ये तो गोवा है, अन्यथा आप देखिए कि 15 लाख से 20 लाख 10 लाख इतनी वोटें हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनका रेशियो कितना होगा 20,000 से लेके इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहे हैं पूर्व उनके हिसाब से 2%, यानी 20,000 से लेके 40,000 वोटों तक का अंतर अपने आप उन मशीनों में वो खुद बता रहे हैं। और हार जीत कितने पर होती है? एक और चीज, वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा था 21 या 22 जनवरी 2022 को तीन कंपनियों को, ECIL को और BEL बेंगलोर और BEL पंचकुला को। उसमें उन्होंने कहा कि जो वीवीपैट मशीनें आपने हमें दी 2017 में, उन मशीनों में 37% यानी 17.5 लाख मशीनें उन्होंने दी, 17,50,000 उनमें से 6,50,000 मशीनें वीवीपैट मशीनें खराब हैं। और ECIL को लिखा कि आपकी 4 लाख मशीनें खराब वीवीपैट, BEL को लिखा बेंगलोर को कि आपकी 1,85,000 मशीनें खराब है, और BEL पंचकुला को लिखा कि आपकी 65,000 वीवीपैट मशीनें खराब है, यानी 17.5 लाख में से 37% 6.5 लाख मशीनें खराब हैं। और ये लेटर कब लिखा जा रहा है? 2022 में। मशीनें कब मिली? 2017 में। इन बिटवीन लोकसभा इलेक्शन 2019 हो गया और कई स्टेट के चुनाव हो गए जिनमें ये खराब मशीनें इस्तेमाल हुई। Who's responsible for that? So, आप सब कुछ किस तरह से करा रहे हो इस पे अपने आप ही इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए, जिसकी ड्यूटी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की, और जिसकी ड्यूटी है कि जो व्यक्ति इस देश में 18 साल का है और उससे ऊपर का है उस हर व्यक्ति का वोट, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और हमारा जो आंदोलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण, बस उसके बाद और कुछ नहीं कहूंगा, वो उदाहरण यह है कि हमने एक नंबर दिया है ईवीएम के अगेंस्ट में, जो भी लोग हैं इस देश भर में उनके लिए एक मिस कॉल का नंबर दिया है और उनसे पूछा है भाई इसमें मिस कॉल दो। नंबर मैं आपको बताता हूं, नंबर है हमारा 9667722062, 9667722062। और हमने लोगों से कहा है कि जो ईवीएम के अगेंस्ट में इसमें मिस कॉल करें तुरंत, और अपने रिश्तेदारों को सबको बोले। आप जानकर हैरान होंगे कि पर डे मोर देन 1 लाख कॉल इस पर आ रहे हैं पर डे, और देश के हर कोने से आ रहे हैं। सो ये रेस्पॉन्स हमारे इस मूवमेंट को है, इन मीटिंग्स के अलावा जो हम कर रहे हैं उसके अलावा। अब आपको डेमो दिखाया जाए, डेमो दीजिए। अब आप डेमो देखो और अपनी आंखों से देखो घोटाला। Thank you.
नहीं ऐसे बटन दबा दें मीडिया में से किसी साथी को बुलाना आप इसके लिए बोलो स्टार्ट करो जिनको दीजिए जिनको दीजिए आप बनाए एक लिखे कि कितने वर्ड कोर्स एप्पल तीन सिंबल है एप्पल बनाना और वाटर इसमें सिस्टम ऐसा है हमने तीन सिंबल चुने हैं और सर ने सब बता दिया लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कंफ्यूजन नहीं रहे जब इलेक्शन का डेट फिक्स हो जाता है तो उसके पहले 15-16 दिन पहले कैंडिडेट सिंबल फाइल वीवीपीटी के मशीन के अंदर डालनी होती है कि कौन से कैंडिडेट का सिंबल कौन सा होता है तो वो टाइम पे हम यदि ऐसा प्रोग्राम डाल दे जो एक ही घंटा चुनाव के तारीख के दिन एक्टिव हो जाए सिर्फ एक घंटा बाद में मॉक पोल के दौरान नहीं और उसके बाद भी नहीं कभी भी नहीं एक ही घंटा डिसऑनर मोड में हमारा प्रोग्राम चालू हो जाए तो हम एक घंटे में 5-8% वोट इधर से उधर कर सकते हैं। उसका मतलब एक घंटे के अंदर समझो 200 सीटों का चुनाव है कोई स्टेट में तो 200 सीटों में जो पार्टी को 140 सीट आने वाली है उसको 60 सीट आ सकती है और जिसको 60 आने वाली है उसको 140 सीट आ सकती है सिर्फ एक घंटे का मैनिपुलेशन होने से। हम ऐसा नहीं बोलते कि ये मशीन चुनाव पंच का है। चुनाव पंच ने आज तक किसी को मशीन दिया नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी को लो आपको 50 मशीन देते स्टडी करो दिया नहीं है और देना भी नहीं मांगते। वो बोलते हैकिंग करो। हैकिंग का मामला नहीं है ये प्री प्रोग्राम ही रहता है प्रोग्रामिंग का मामला है। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको आप हमको बताने की कोशिश करते हैं आपको कौन वोट डालेगा आपको समझा दो एकदम धीरे से ऐसे बटन तुरंत छोड़ देना है। हाँ डालिया कोई भी पहले बता दो कि कितने है, चिन कितने हैं तीन है ये एक एप्पल है बनाना है और वाटरमेलन है। आप कोई भी ऐसे पकड़ो आप ही पकड़ो ये छोड़ दबाइए धीरे से दबा के छोड़ देना है। बाबा ओ भाई थोड़ा सा सेट दे यार बना दबाए बस बनाना दबाए अभी आप यहाँ देखना है कौन सा है आपने देख लिया बनाना है रिपोर्ट कीजिए बाकायदा आपने और वो भी देख लो अंदर दूसरा कुछ है नहीं बराबर पहले से कुछ छिपा हुआ नहीं आपके नजर के सामने आएगा। अभी इसमें 7 सेकंड तक लाइट चालू होता है वाटर को दिखाई देता है कि मैं लाइट चालू हुआ मैंने पर्ची देख लिया फिर वाटर चला जाता है बाद में दूसरा वाटर आता है दूसरा कोई भी वाटर आप एक बटन दबाइए धीरे से एप्पल कौन सा दबाया एप्पल हाँ अभी आप देख लो एप्पल का पर्ची आया एप्पल का पर्ची आया। अभी इसमें क्या होता है जब वोटिंग के दौरान पैटर्न रहती है कोई एक साथ में जाते हैं तो एक ही पार्टी को दो दो वोट मतलब फैमिली वाले देते हैं मैं देता हूँ जिसको वही मेरी पत्नी देगी मेरा बच्चा भी देगा। आप उसको उठाते हो ना तो थोड़ा देर उठा के रखो 7 सेकंड का टाइम है ठीक ले लो देख लो और अभी तीसरा वोटर आया कोई भी तीसरा वोटर 7 सेकंड का एप्पल को वोट दिया कौन सा पर्ची आया एप्पल का पर्ची आया और बाद में कोई भी दूसरा वोटर चौथा वोटर पांचवा वोटर हम 8-10 वोट एग्जांपल के लिए देते हैं रुकना मैं बोलूं 7 सेकंड का टाइम होता है। हाँ दीजिए आप धीरे से हाँ कौन सा दिया अब कौन सा पर्ची आया वाटरमेलन का पर्ची है। अभी आप मीडिया में से वहाँ मीडिया के साथी हैं कामन का दवाई किस पर किया कौन सा दिया वाटरमेलन दिया कौन सा पर्ची है भाई लिख लिया हाँ वाटरमेलन हाँ तो एक साइड वो स्लाइड कर दो सर अभी आप में से भी कोई एक
वोट डाल दीजिए, दो दो तीन वोट लिख रहा है, कोई लिखता है कि नहीं लिखता है? कौन सा है साहब पर्ची? वोटर में अभी कितना, 10-12 वोट अभी एक दो बार वोट डाल देते हैं, आप डालेंगे, आप आइए आप डालो कौन सा पर्ची आए भाई? वाटरमेलन दबाया, वाटरमेलन आ गया। अभी आप चले जाओ, आप दूसरा वाटर है ना, धीरे से देना, मैं बटन एकदम धीरे से दबाना बोलू तभी। यहाँ क्या 7 सेकंड का टाइम रहता है, बाद में इसके अंदर टाइमिंग रहता है। अभी आप दबाइए, बस बनाना दबाया, देख लो कौन सा पर्ची है, बनाना है। अभी आठ हो गए, कौन सा लिया आपने? देखा पर्ची, वोट देने के टाइम देखते हो कि नहीं देखते हो? सभी को देखना चाहिए। अभी मैं भी और एक आप डाल दो, लाइट हुआ, बनाना का पर्ची देखा सारा, सबको देख लिया ना। अभी 10 वोट हो गए तो हम सबसे अरे चले जाए, आप एक दबाओ खुद इसमें ऐसा है, डाल सकते 100-200, लेकिन छोटा सा प्रिंटर है और रोल में अभी लिमिटेड। एक मिनट, हाँ डाल दीजिए आप, स्लोली एप्पल देख लो कौन सा। चलो अभी आप गिन लो टोटल कितने, 11 हो गए, 11। एप्पल को बोलो कितना दिया हमने, पहला बनाना को बोलता हूँ, बोलिए बनाने के लिए 1, 2, 3 बनाना को 3 दिए, कितने छप्पे देखो आप इसमें, 1, 2 तो एक चोरी हो गए। और एप्पल को कितने दिए, एप्पल के लिए 1, 2, 3 देखो एप्पल को कितने हो, 1, 2, 3, 4, 5 वाटरमेलन को कितने, 1, 2, 3 देख लो आप, वाटरमेलन के 2 चोरी हो गए। दो पार्टी के वोट चोरी होकर एक ही पार्टी में चला गया एप्पल। ये प्रोग्राम कोई भी बना सकता है, तो इतना बड़ा हमारा चुनाव पक्ष नहीं बना सकता। तो ये आपके सामने लाइव डेमो हमने देखा दिया, तो ये सब माया जाल है, वो कैसे होती है वो भी शॉर्ट में बता दूं। पहले 2 जून 2017 को हमें पता चला कि ईवीएम का कांच बदला गया, ग्लास, पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था वीवीपीएटी के ऊपर। चुनाव पक्ष ने वीवीपीएटी इसलिए दिया कि मतदाता को अपना वोट दिखे जिसको दबाया वो, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास चेंज करके M3 मॉडल अभी आया है नया, तो इसके अंदर काला कांच और मिरर, मिरर मतलब यहाँ हम खड़ा रहे तो हम दिखेंगे, पीछे का दिखेगा लेकिन अंदर क्या है वो नहीं दिखेगा, जैसे विंडो में रहता है। तो ये काले कांच के पीछे ये मायाजाल होती है अंधेरे में, जब आप वोट देकर चले जाते हो बाद में दूसरी पर्ची छप जाती है आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको एक ही पर्ची जब कंटिन्यूटी 2-2 वोट एक साथ डालते तो एक ही वोट आपको दिखा जाता है 2 बार। तो हम आपको 4 वोट डाल के, मैं खुद डाल के आपको दिखा देता हूँ, तो हाँ आपको पता चले कि समझो एप्पल को जिताना है हमें, तो एप्पल को मैं एक भी वोट नहीं देता, नहीं देता फिर भी आ जाएगा कैसे। पहले एक बनाना को देता हूं मैं, ये बनाना का पर्ची आ गया, हमें जीताना है एप्पल को समझो बराबर, और एप्पल को वोट नहीं डालते फिर भी जीत जाता है। सात सेकंड लाइट चालू होता है, अभी फिर से हम बनाना को दूसरा वोट दिया, बनाना का वोट चुराना है, तो क्या होता है लाइट चालू होता है सिर्फ, क्या होता है दूसरी बार यही बनाना दूसरे को दिखाया जाता है कि भाई देख लो आपका वोट आ गया, ये लाइट बंद हो गया बराबर। लाइट बंद होने के बाद क्या होता है देख लो, आपके नजर के सामने आपको पता नहीं चलेगा, लाइट बंद हो जाता है, ये एप्पल में एक बनाना का चला गया। अभी फिर से हम 2 खरबूज को दे देते हैं, एप्पल को देते ही नहीं है, हमें एक तरबूज को दिया, वाटरमेलन को, पर्ची आया
लाइट हुआ देखा, मतदाता खुश होके चला जाएगा भाई मैंने जिसको दिया वो जीत जाएगा, लेकिन बाद में रोकता है साला हम लोगों ने दिया भी जीता नहीं कोई, फिर से हम तरबूज को देते हैं दूसरी बार, लाइट बंद हो जाती है, बाद में दूसरा वाटर आता है वो भी तरबूज को देता है, वही पर्ची दिखाई देती है दूसरी बार लाइट बंद लाइट चालू होने के बाद। ये लाइट और काले कांच और टाइमर का सॉफ्टवेयर का माया जाल है पूरा, देखना भी अंधेरा हो गया ये पर्ची छप गया एप्पल का, एक भी वाट एप्पल को नहीं दिया। यदि कोई बोले कि एप्पल को वाट देते हैं तो एप्पल को वाट देते हैं तो एप्पल को तो जीताना, उसको चोरी नहीं करना है, एप्पल को आप जीतना दो उतना पड़ेगा, तो हमने एप्पल को वाट दिया तो एप्पल का पर्ची आएगा, उसको दोबारा नहीं दिखाएगा, समझ में आया ना। दो एप्पल का दोगे तो दो छप जाएगा, वो जितना दोगे उतना तो छपने वाला है, लेकिन दूसरे का चुराना है। फिर से एक एप्पल का हम दे देते, आगे तो एक काला कांच सॉफ्टवेयर के अंदर घड़ी और मैन्युपुलेशन करके चुनाव पंच या हद्दी कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दे हमें कि भाई हमें 500 सीट जीता देनी है लोकसभा की, तो हम हमारा प्रोग्राम डाल के जीता सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। अतुल पटेल, गुजरात से हूं मैं, और हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चुनाव में, और हमारे साथ और हम सब मिलके और आपका भी सपोर्ट है तो हम सफल हो जाएंगे इस बार। धन्यवाद। एक गुजराती से टक्कर लेने के लिए पकड़ रखा है छोड़ना नहीं, लेकिन जब तक